सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिहार यूजी मैक 2023, यूजी मैक के जितने भी कैंडिडेट हैं, कौन कौन कैंडिडेट होंगे यूजी मैक के, जो बच्चे नीट दिए हैं उनका स्कोर 500 प्लस है। अब 500 प्लस बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जो 400-300 मार्क्स वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। सभी बच्चे नीट के जिनका होम स्टेट बिहार है, ध्यान सुनिए, सभी बच्चे नीट के जिनका होम स्टेट बिहार है उनके लिए ये फॉर्म होता है यूजी मैक 2023। अब इस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये फॉर्म कब आएगा, क्योंकि नीट का रिजल्ट तो आप लोग का आ गया है। आप लोग सभी जो है एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिनका अच्छा मार्क्स है नीट में, कि कब यूजी मैक का फॉर्म आएगा, कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, कब हमारा काउंसलिंग होगा और कब हम लोग अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो यूजी मैक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, ये बेसिकली एक काउंसलिंग फॉर्म है। ध्यान सुनिए, ये बेसिकली एक काउंसलिंग फॉर्म है, ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये आपका बिहार स्टेट का MBBS BDS बम्स में जाने के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम है, काउंसलिंग फॉर्म है, जिसको वो बच्चे भर सकते हैं जो लोग नीट दिए हैं। ठीक है, नीट में चाहे आपका कितना भी स्कोर हो, आपका 300 प्लस हो, 400 प्लस हो, 500 प्लस हो, 600 प्लस हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा, सभी चीजों को हम डिटेल से बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी नीट एस्पायरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात, यूजी मैक से रिलेटेड ऑल अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन हो जाए। बिहार यूजी मैक 2023 का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी पिंड मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए यूजी मैक के बारे में। ठीक है, तो देखिए यूजी मैक क्या है, यूजी मैक बेसिकली एक काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, यूजी मैक एक काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, उसको सभी बच्चे फिल करेंगे, इसके बाद आपका रैंक जनरेट होगा। अब बोलोगे सर रैंक तो मेरा ऑलरेडी जनरेट हो गया है नीट में, तो अब कौन सा रैंक, ये आपका बिहार स्टेट में आपका क्या रैंक है वो रैंक जनरेट होगा। जब आपका रैंक जनरेट हो जाएगा इसके बाद होगा आपका काउंसलिंग और च्वाइस फिलिंग। ठीक है, इसके बाद आपका होगा काउंसलिंग। ठीक है, अब काउंसलिंग में क्या होगा भैया, तो काउंसलिंग में आपको जितना भी बिहार के कॉलेजेस हैं, चाहे MBBS हो, BAMS हो, BDS हो, सभी आप चॉइस कर सकते हैं अपने रैंक के अनुसार। ठीक है, उसके बाद उसमें से आपको कॉलेज अलॉट होगा। सो जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज, सबको तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS हो, BDS हो, BAMS में जाना है, तो यूजी मैक ये फॉर्म भरना मस्ट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर यूजी मैक जो भरेंगे इसका कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसका फॉर्म आएगा आप लोग का, तो फॉर्म डेट कब होगा, फॉर्म डेट कब होगा, कब आएगा, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फॉर्म डेट का। तो यूजी मैक का फॉर्म जो है, अभी देखिए ये फॉर्म जो ये काउंसलिंग जो कंडक्ट कराती है वो हमारी BCC बोर्ड कराती है। कौन बोर्ड कराती है, BCC बोर्ड। ये जो बोर्ड है bccboard.bihar.gov.in, यही बोर्ड आपका यूजी मैक कंडक्ट कराती है काउंसलिंग। तो इसका अभी 1 जुलाई को एग्जामिनेशन है इसके एंट्रेंस का। ठीक है, तो 1 जुलाई के बाद इनका ऊपर सभी कामों का प्रेशर हट जाएगा, उसके जस्ट बाद आप लोगों का यूजी मैक का फॉर्म आ जाएगा। यानी एक्सपेक्टेड आप ये कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका यूजी मैक का फॉर्म आ जाएगा। 110% यूजी मैक का आपका फॉर्म कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। कैसे पता चलेगा, तो आपको ये साइट बार बार विजिट करते रहना, आपको यहां दिख जाएगा आपको नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग यूजी मैक। ठीक है, यूजी मैक यहां पे भी आपको देखेगा तो यहां पे यूजी मैक दिख रहा है, ये पिछले साल का है बट अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, एडवर्टीजमेंट यूजी मैक 2023। ये नोटिस आपको फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, नोटिस तो हमारा आ गया, इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सभी चीजें डाल, जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था वैसे इसका फॉर्म भराएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका रैंक जनरेट होगा, रैंक जनरेट होने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। अब बात आती है कि कितना नीट में स्कोर है, नीट में स्कोर कितना है, यानी कि जनरली बात करें तो कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ कितना है और कितने कॉलेजेस हैं बिहार में, इस पर भी हम बात करेंगे, सभी चीजों को डिटेल से बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में होगा, ताकि आपको कट ऑफ फुट ऑफ का फाइल हम भेजते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको मिल जाए। सबसे पहले आप लोग जान लें कि जिन भी बच्चों का 400 प्लस नीट स्कोर है, ध्यान से सुनिए, 400 प्लस नीट स्कोर है, वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरे, यूजी मैक फॉर्म को जरूर भरे, जिन भी बच्चों का 400 प्लस स्कोर है। अब बोलोगे सर कट ऑफ ज्यादा कितना है,
तो हम एक ऑन एन एवरेज आप लोग को बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी, ये एमबीबीएस एमबीबीएस के लिए बता रहे हैं, बीडीएस का थोड़ा सा कम होता है, बैम्स का भी थोड़ा कम होता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम जाने, अगर आप यू आर कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व से हैं, आपके पास कोई कैटेगरी नहीं, आप जनरल से आते हैं, और अगर आपका बाबू, ध्यान सुनिए, अगर आपका बाबू मार्क्स जो है 550 प्लस है, 550 प्लस है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरे, आपके पास चांस रहेगा कॉलेज मिलने का, जरूर से जरूर भरे। अगर आप एस सी कैटेगरी से आते हैं या एस टी कैटेगरी, तो आपको अगर 400 प्लस मार्क्स है तो इस फॉर्म को जरूर भरे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का हाईली चांस रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका 500 प्लस मार्क्स है तो इस फॉर्म को जरूर भरे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी, ये भी इसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो भी आपका मार्क्स अगर 500 प्लस है तो इस फॉर्म को जरूर भरे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका 300 मार्क्स है, 350 वो नहीं भर सकते, ठीक है, वो भी भर सकते हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इससे नीचे नहीं जाता है बाबू, इससे नीचे नहीं जाता है कट ऑफ, ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। एमबीबीएस का बात हो तो और हाई जाता है, बट हाँ, बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 या 9 है, ठीक है, जिसमें एमबीबीएस होती है, ठीक है, बीडीएस के लिए भी है, बम्स के लिए भी है, तो आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। अब बोलोगे कौन कौन सा बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें एमबीबीएस होता है, बहुत सारे, बहुत सारे, कुछ कुछ का नाम बता देते हैं आपको। पहला पीएमसीएच पटना, दूसरा एनएमसीएच पटना, ठीक है, जेएलएनएमसीएच भागलपुर, इसके बाद आपका आएगा एएनएमसीएच गया, एएनएमसीएच में शायद नहीं होता है, हम एक बार कंफर्म करके बता देंगे आपको, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, इसके बाद एसकेएमसीएच के बाद आएगा आपका विम्स पावरपुरी, उसके बाद आएगा आपका जीएमसी बेतिया, इसके बाद आपका आएगा जननायक कर्पूरी नारायण ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, ठीक है, ये मधेपुरा, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो कॉलेजेस हैं, बट ऑन एन एवरेज आप रख ले, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बट ये आपके टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये आपके टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें एमबीबीएस होती है, और ये सभी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हैं। इन सभी में आपको एडमिशन मिलेगा थ्रू यूजी मैक, ठीक है। तो यूजी मैक का फॉर्म भरने के लिए सभी नीट एस्पायरेंट रेडी रहे, बहुत ही जल्द आपका फॉर्म आएगा तो सबसे पहले एस्पेक्ट विजन आके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि बिहार के हर एक काउंसलिंग क्षेत्र, हर एक एडमिशन क्षेत्र में एस्पेक्ट विजन पिछले 4 सालों से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, इसीलिए सबसे पहले आपको एस्पेक्ट विजन इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, तो नीट के सभी कैंडिडेट जिनका स्कोर जो मैंने बताया उतना स्कोर अगर है तो तैयार हो जाए, क्योंकि यूजी मैक बहुत ही जल्दी आ रहा है आप लोग के बीच, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ नीट 2023 का फॉर्म लेके और काउंसलिंग करने के लिए आप तैयार रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी बच्चे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।